महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी। रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। अब तो उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से ही तहलका मचा दिया है। इंटरनेट पर रणवीर सिंह के बिना कपड़ों की फुल न्यूड तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। पहले तो लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि बिना कपड़ों के रणवीर सिंह जमीन पर लेटकर क्या कर रहे हैं। इसके बाद जब कैप्शन पर नजर गई तो पता चला कि एक्टर ने किसी मैगजीन की फोटोशूट के लिए फुल न्यूड पोज दे दिए हैं। रणवीर सिंह हर मामले में अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण से आगे निकल जाते हैं। दीपिका ने इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म में जमकर बोल सी, तो रणवीर कैसे पीछे रहते। उन्होंने पेपर मैगजीन के लिए फुल न्यूड पोज दे डाले। टेलीविजन पर आप देखेंगे कि एक्टर बिना कपड़ों की कारपेट पर लेटे हुए अलग अलग अंदाज में पोज दे रहे हैं। मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रणवीर ने अपनी फिल्म और फैशन के बारे में खुलकर बात की है। न्यूड फोटोशूट के बारे में बात करते हुए रणवीर सिंह ने कहा है कि मुझे फिजिकली नेकेड होने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी अपनी आत्मा नेकेड होती है। इससे पहले भी अपनी फिल्मों के लिए मैंने कपड़े उतारे हैं। मैं तो हजार लोगों के सामने भी न्यूड हो सकता हूँ, बस इतना है कि वो लोग शर्मा जाते हैं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने कुछ फोटो अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे डाले थे, जिसका विरोध अबू आजमी जी कर रहे हैं। समाजवादी पक्ष के नेता अबू आजमी जी हमारे साथ हैं। अबू आजमी जी, रणवीर सिंह को लेकर आपने एक ट्वीट किया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं भारतवर्ष की जो कल्चर हमारा है उस कल्चर के मुताबिक मैं भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता को बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में कोई आदमी नंगा घूमे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। कानून है, लॉ है कि अगर कोई आदमी सड़क पे नंगा जाता है बिना कपड़े के तो उसको अरेस्ट करो, उसको रोको। औरतें बहुत कम कपड़े पहन के सड़क पे जा रही हैं, कोई मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरे पे तो केस भी हो चुका है, मैं बोलूँगा तो कल से मुझे फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जनता 130 करोड़ जनता के अदालत में इस बात को पेश करना चाहता हूँ कि हमें इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को इस देश के अंदर संविधान ने पूरा राइट दिया हुआ है कि अपने मजहब पर चल सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, पर्दा कर सकते हैं, शरीयत के मुताबिक शादी ब्याह कर सकते हैं। उसी का एक हिस्सा है पर्दा। रसूलल्लाह ने कहा है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने, कि जब घरों से निकलो तो औरतों से कहा कि अपने सर से लेकर पैर तक को चादर से ढाँक लो, मतलब पर्दा करो, और अपनी निगाह नीचे करके चलो। मर्दों से कहा है निगाह नीचे करके चलो, किसी गैर औरत पर अगर नज़र पड़ जाती है तो दोबारा मुड़ के मत देखो। ये मज़हब का हिस्सा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मॉडर्न ज़माना आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, भाई जिसको अपनाना हो अपना ले, कोई बात नहीं। लेकिन पर्दे के ऊपर रोक लग जाना, नंगेपन पर रोक नहीं लगना, ये जनता को फैसला करना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। पर्दे पर रोक तो सार्वजनिक तौर पर नहीं है, सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस का मैटर है, वो भी कोर्ट में चल रहा है। क्यों स्कूल कॉलेजेस में, अस्पतालों में जाते हैं रोक दिया जाता है, कई जगह पे अभी एग्जाम दे गई वहाँ रोक दिया गया। मैं क्यों रुका जाता है? अगर आपको डर है कि इस पर्दे के आड़ में कोई नकल हो जाएगी स्कूल में, कुछ कुछ छुपा के लाए होंगे, तो एक लेडी टीचर को, एक लेडी सिक्योरिटी वाली को उस लड़की को अंदर कमरे में ले जाइए, उसका पूरा कपड़ा चेक कर लीजिए। आप किसी सरदार जी की पगड़ी चेक करते हैं क्या? चेक करके दिखाइए, आपको वो ठीक कर देगा। लेकिन मुसलमानों को इतना कमज़ोर समझते हैं कि आप उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे इसकी वजह से? आप चेक करिए, आपको शक है तो शक बिल्कुल हो सकता है, कोई गलत काम कर भी सकता है पर्दे के आड़ में, आप उसको चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत चीज़ है तो उसको पकड़ लीजिए आप उसको। लेकिन इस तरह से खुलेआम हिजाब के ऊपर हमला करना, मैं समझता हूँ भारतवर्ष की आज़ादी, हमारी आज़ादी पर एक बहुत बड़ा खतरा है। आप कह रहे हैं कि नंगी फोटो शेयर करना अपराध है कानूनन, आप खुद कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं, कुछ गुनाह वगैरह दाखिल करने के लिए? मैं गुनाह कुछ दाखिल नहीं करूँगा, मैं कौन सुनने वाला है। मैंने आम जनता के बीच में आपके माध्यम से कह दिया, आम जनता को इस बात को सोचना चाहिए।